और चाचा चाची हैं, बहनें हैं, संयुक्त परिवार है, तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा। आप सौम्य के पिताजी हैं जी, आज वो साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं सब, अच्छे विकेट ले रहा है और टीम भी बहुत अच्छा कर रही है, सब अच्छी टीम है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं सब, अपना अपना रोल बढ़िया प्ले कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप इस बार भी जीत के लेके आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे सब। माता जी हैं शर्मिला पांडे जी, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से सौम्य आपसे दूर हैं। पूरे संभाग के दिसंबर से हमसे दूर है, मतलब अभी 24 दिसंबर को गए हैं, बाकी पहले तो गए थे 7 साल की उम्र से बाहर ही हैं लगभग। दूर रहने का मलाल है कि इस वर्ल्ड कप में खुशी है? हमको बहुत खुशी, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जिससे अपनी खुशी को हम व्यक्त कर सके। अभी कब बात हुई आपकी हाल में? अभी हमको सुबह ही बात हुई है, आज बात हुई है। अभी फाइनल मैच में प्रवेश कर गई भारतीय टीम, अब वो फाइनल खेल रहे हैं। जी जी जी, फाइनल में चले गए हैं, फाइनल अब खेलेंगे, खेल के जीत के आएंगे जी। तो ये माता जी और पिताजी से बात हुई, अब उनकी आंटी हैं जिनका बड़ा ही उनसे प्रेम है और समय समय पर बातचीत होती है, कैसे आप महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं NDTV को धन्यवाद देना चाहूंगी, आप यहाँ हमारे गृह ग्राम भरतपुर आए। तो अभी जैसे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में टीम पहुंच गई है और सौम्य कमाल की गेंदबाजी किए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं, तो उन्होंने 17 विकेट हासिल किया, आप सब टीवी के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, तो कैसे आप फील कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी महसूस करती हूं और यही हमारी आशा है कि वो ऐसे ही खेलते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। ओके, चाचा जी हैं ये थे, कैसा देखते हैं आप? निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में उसे भारत के टीम के रूप में देख रहा हूं, जिस तरीके से उसने अपनी मेहनत और लगन से आज देश में नाम रोशन कर रहा है और विश्व क्रिकेट में दूसरे नंबर का बॉलर है, भारत का प्रथम नंबर का बॉलर बना है, तो जिस तरीके से उसकी लगन और मेहनत है, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो देश में अपना और अपने परिवार का, अपने जिला का, संभाग का नाम रोशन करेगा।